स्कीम चली हुई है उसके समय पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, जो स्कीमें चलाई है इससे बेरोजगारी फैलेगी और हिमाचल प्रदेश के पहले ही 12 लाख से ऊपर बेरोजगार हैं और ये 4 साल के लिए जो 21 साल से लेकर 25 साल तक स्कीम चलाई है इससे आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं लगेगी। मेरा मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है वो सही तरीके से पेश करें और इनको पेंशन नहीं लगेगी तो बेरोजगारी फैलेगी, घर घर दुखी होंगे, सभी इस विषय के ऊपर जो है चिंतन करें, पूरा समाज चिंतन करें। सभी के लिए मीडिया वालों का भी धन्यवाद। सबसे पहले यही बताना चाहते थे कि आम आदमी पार्टी ने जो विरोध प्रदर्शन किया है वो जो है वो सिर्फ अग्निपथ जो चला हुआ है स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है इसके खिलाफ था। धन्यवाद जी। आज के प्रदर्शन के बारे में देखिए ऐसा है कि आज जो आम आदमी पार्टी हमीरपुर जिला के गांधी चौक में एकत्रित हुई है इसका मकसद है कि अग्निपथ जो मोदी जी की सरकार ने एक 4 साल और 3.5 साल युवाओं को भर्ती करके घर वापस भेज देना इसके विरुद्ध है और बड़े दुखी मन से हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये तो हिटलर शाही हो गई और अराजकता का माहौल पूरे देश के अंदर फैल रहा है। पहले ही दिन जब मोदी जी धर्मशाला पहुंचे तो बहुत सारे हमारे नौजवान साथी जो 18 साल से ऊपर हैं, कई लड़कों ने फौज में जाने के लिए तैयारियां की, प्राइवेट संस्थाओं में उन्होंने कोचिंग ली, एकेडमियों में कोचिंग ली और इतने पैसे खर्च किए, आज उनका मनोबल टूट गया है। वो बच्चे जो युवा कल के देश के अच्छे भविष्य का निर्माण करेंगे आज वो उन्होंने उनकी कमर तोड़ के रख दी है। जिस देश के नौजवान बच्चे नौजवान युवा जो देश की सरहदों पे अवर होने चाहिए और देश की रक्षा करते हैं आज उन युवाओं को ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी की तरह तुम्हें 3.5 साल की नौकरी दी जाएगी। इससे बड़ा दुख किसके जहन में होगा। आज जब फौज में हमारा कोई भी फौजी भाई रिटायरमेंट लेकर आता है तो पेंशन होती है, जब घर में कई परिस्थितियां हो जाती है, हर घर की अलग कहानी है, जब बुढ़ापे में बहु बेटे भी अगर साथ ना दे परिवार में कई क्राइसिस होते हैं तो पेंशन ही एकमात्र ऐसा सहारा था जो बुढ़ापे की लाठी हुआ करता है। आज नौजवान साथियों का वो पेंशन भी छीन ली और एक प्राइवेट कंपनी की तरह कॉन्ट्रैक्ट पे 3.5 साल की नौकरी का ये मोदी जी की सरकार देने के लिए एक काला कानून पास कर रही है। इस काले कानून का हम आम आदमी पार्टी सड़कों पे भी विरोध करेगी, विधानसभाओं का भी घेराव करेगी और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा हम अपने देश के हर बेरोजगार युवाओं की लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे, विधानसभाओं का घेराव भी करेंगे, हर स्तर पर जो आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अग्निवीर योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, अग्निवीर योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी।